ऑफिसरों से जुटा रहे जिंदाबाद। तो हम आपके बीच में आपके हरमन प्यारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के द्वारा माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी जोरदार ताली बजाते हुए अभिनंदन करें आदरणीय चौटाला साहब। बहुत ही आदर और सम्मान के योग दिल्ली प्रदेश के बहुत ही कर्मठ मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, मेरे राज्यसभा के सहयोगी सुशील गुप्ता जी, मंच पर विराजमान जननायक जनता पार्टी के बहुत ही मेहनती प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नवीन जैन जी, मंच पर विराजमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंतराम तवर जी, तेलुराम जोगी जी, दादा राम कुमार गौतम जी, पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी, राष्ट्रीय सचिव उमेद लोहान जी, हमारे बीच में मौजूद हमारे बहुत ही कर्मठ विधायक भाई अनूप जी, मंच पर विराजमान हिसार हरियाणा प्रदेश के आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, मेरे लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए दादा तुल्य पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथियों, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि इस 5 साल के सफर के अंदर जो आप सबने मजबूती से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया, आशीर्वाद दिया, आज उसकी बदौलत छाती चौड़ी करके आपके बीच में खड़ा हूं और यही उम्मीद करता हूं कि 5 साल जैसे पार्लियामेंट के अंदर मैं आपकी आवाज बनकर लड़ा, अब आप सब उसी तरीके से उसी लगन और मेहनत के साथ आगामी 5 दिन दिन रात एक कर कर मेरी आवाज बनकर इस लोकसभा चुनाव को लड़ने का भी काम करेंगे। बुजुर्ग युवा साथियों, आज आपके सामने एक ओर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है और दूसरी ओर पर आप लोग, निरंतर मैं सुनता आ रहा हूं एक वोट मांग रहे हैं मोदी के नाम पर, एक वोट मांग रहा है राहुल के नाम पर, एक कह रहा है राष्ट्रवाद की बात करो, एक कह रहा है न्याय की बात करो। मैंने एक चीज बता दो, दोनों में से एक भी हिसार की बात कर रहा है, हरियाणा की बात कर रहा है। आज ये दुखद स्थिति है, जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं 10 की 10 लोकसभा में, एक आपका गठबंधन है आमजन का गठबंधन, जो अपने क्षेत्र की अपने प्रदेश की बात कर रहा है, मर्द दुख इस चीज का होता है कि कांग्रेस हो बीजेपी हो, आज हरियाणा की समस्या को लेकर इस चुनावी मैदान में नहीं है। और आप लोग भी भूलने लग चुके हो कि पिछले 4.5 साल इस प्रदेश के लिए कैसे गए। सबसे पहले तो हिसार के अंदर जहां संत रामपाल के आश्रम में आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस वालों ने नियते लोगों पर लाठियां बरसाई, लाठियां पिलाई, 7 लोगों की जान गई।
आपने देखा रोहतक के अंदर, झज्जर के अंदर, सोनीपत के अंदर 70 लोगों पर गोलियां चलाई गई, 31 लोगों की जान गई। मिलिट्री आई, व्यवस्था सुधरी। आप भूल गए पंचकुला को, 41 लोगों पे, नियतों पे गोलियां मारने का काम डेरा सच्चा सौदा के प्रकरण में इस बीजेपी की सरकार ने किया था। साथियों, 81 लोगों की जान इस बीजेपी की सरकार ने सरकारी गोलियों से लेने का काम किया, और हर मौके पर मुख्यमंत्री ने हाथ उठा दिए, और फिर देखा केंद्र की सरकार सीआरपी भेजेगी, जब सीआरपी फेल होगी फिर जाके कहीं ना कहीं मिलिट्री को आकर व्यवस्था रोकनी पड़ी, संभालनी पड़ी। मैं तो आज पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री के अंदर हिम्मत क्यों नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में खड़े होकर अपने नाम पर वोट मांग कर दिखाए? क्योंकि खट्टू साहब को पता है, अगर वो खड़े हो गए और कहने लग गए मेरे 4 साल 4.5 साल के शासन पर वोट दो, तो लोग 10 की 10 सीटों पर इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। आज कहती है बीजेपी मोदी के नाम पर वोट दो। आप तो हिसार के कोने कोने से आए हो, मैं तो आपसे पूछता हूं, 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, हरियाणा में आकर गए, कहते थे हरियाणा मेरा दूसरा घर है। बनने के बाद पहली योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पानीपत से शुरू कर कर गए। क्या हालात है महिला सुरक्षा के? आज 2 रेप की घटना हर रोज इस प्रदेश में दर्ज होती है। क्या हालात है हरियाणा प्रदेश के कि केंद्र सरकार बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में हरियाणा दूसरा असुरक्षित राज्य है। और मैं पूछता हूं, लोग मोदी मोदी करते हैं, उनसे पूछने का काम करो, 5 साल में किसी ने मोदी की भी हिसार में शक्ल देखने का काम किया? मैं तो हैरान था, बीजेपी उम्मीदवार के पिताजी जो स्टील के मंत्री है, ग्रामीण विकास के मंत्री रह लिए, पेयजल के मंत्री रह लिए, उनसे किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि दुष्यंत कहता है हिसार तो हरियाणा की स्टील कैपिटल है, आपने हिसार में स्टील की बढ़ोतरी के लिए क्या कदम उठाए? तो दुख होता है, जवाब में कहते हैं कि मैं हिसार का मंत्री नहीं, हरियाणा का मंत्री नहीं, मैं तो केंद्र का स्टील मंत्री हूं। वीरेंद्र सिंह जी, ये तो बता दो, हिसार भारत का हिस्सा बना दिया या आज इसको पाकिस्तान में डालकर बीजेपी आने का काम कर रही है? कल परसों लाडवा गांव के अंदर बरवाड़ा हल्के में किसी पत्रकार ने कह दिया स्कूल में टीचर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, तो कहने लग गए मेरे से क्यों पूछते हो, ये तो विधायक से पूछो मंत्री से पूछो। आपकी केंद्र में सरकार, आपकी प्रदेश में सरकार, गिनवाने को क्या है? गिनवाने को पूरी बीजेपी के पास एक ही चीज है, वो है मोदी। के दे दिया मोदी ने, बताने का काम करो। नोटबंदी ले आया, कोई मजाक कर रहा था देश के साथ, कहता था काला धन पकड़ा जाएगा। मुझे अब तक याद है 8 नवंबर 2016 की बात है, प्रधानमंत्री जी ने टीवी पे बैठ के कहा कि काले धन पे सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। लोगों ने भी सर्दी के अंदर बैंकों की लाइनों में खड़ा होकर पुलिस के लठ भी खाए, और 2000 के नोट के लिए तरस के कि गुलाबी सा नोट आएगा, देखते चूरन की पुड़िया जैसा है कैसा है, बदलवाए। मगर सर्जिकल स्ट्राइक से कोई काला धन पकड़ा गया? कोई आपको टाटा बिरला अंबानी अदानी रोता हुआ दिखाओ? अगर सर्जिकल स्ट्राइक का असर दिखा तो केवल मात्र काले धन पे नहीं, कमेरे के धन पे देखने को हमें मिला। और मोदी ने अगर असली डाका मारा तो ये बैठी मेरी ताई चाची सारी, इनके धन पे मारा, कोई 4-5 हजार रुपए छुपोए बैठी थी कि आरी मारी के काम आएंगे, देश के आगे इनकी पोल पट्टी खुलवा दी। मैं तो कहता हूं सारियों को 50% वोट थारे हैं,
इस बार सर्जिकल स्ट्राइक मोदी पे कर दो और एक एक बटन चप्पल का दबा दियो, गारंटी मेरी है। जैसे साबुन का इश्तिहार आता है ना, एक के साथ एक मुफ्त, इस मोदी ने तो भेजोगे, साथ में खट्टर की पेटी मैं पैक करने का काम करूंगा। बुजुर्ग युवा साथियों, प्रधानमंत्री कहते थे 2 करोड़ को रोजगार दूंगा, मैंने बताने का काम करो, 2 करोड़ के कहां रोजगार बने। स्टील मंत्री को बताना चाहता हूं, 3 छोटे छोटे स्टील के प्लांट तो हिसार में बंद हो गए, और केंद्र की सरकार तो आंकड़े देती नहीं, अलग अलग एजेंसी आंकड़े देती है। ये पत्रकार साथी बैठे, इनकी किसी ना किसी वेबसाइट से मेरे पास आया कि 5 साल में 2 करोड़ रोजगार देना तो बहुत दूर की बात, ये जीएसटी और नोटबंदी ने 50 लाख युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। साथियों, आज युवाओं की तादाद 56% है वोटों में, और जहां 56% की बात करते हैं, आप सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकते हो। जब मैं पार्लियामेंट में गया था, 26 साल का था, कहते थे छोरा के कर लेगा, 5 साल में यह तो दिखा दिया होगा कि छोरे ने कुछ करा है, इसलिए आज आपके सामने खड़ा। और आप चाहते हो कि आपके हाथ में रोजगार की व्यवस्था भी हम बनाने का काम करें, तो ताकत देकर देखो, ये लोकसभा लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये आपका लोकसभा का चुनाव, आने वाले 4 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसका भविष्य तय करने का काम है। और मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट नौकरियों में 75% आपकी हिस्सेदारी हो, तो पूरे प्रदेश में एक एक वोट आमजन के इस गठबंधन को झाड़ू और चप्पल का बटन दबाकर देने का काम करो। बुजुर्ग युवा साथियों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जहां बुढ़ापा पेंशन की बात खट्टर साहब करते, मैंने 2000 दे दी, जिस गांव में गया हर बुजुर्ग ने कहा, बेटा 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, पेंशन नहीं आई। मैं तो बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, चौधरी देवीलाल ने तो सम्मान करके पेंशन दी थी, इस बीजेपी की सरकार ने अपमान करके उस पेंशन को लाने का काम किया। अगर आप चाहते हो दोबारा घर घर पेंशन की व्यवस्था बने, अगर आप चाहते हो कि महिलाओं को 55 साल और बुजुर्गों को 58 साल में पेंशन की व्यवस्था इस प्रदेश में मिले, तो फिर एक मन बना लो, एक हो जाओ और एक एक वोट चप्पल और झाड़ू का बटन दबा कर देने का काम करो। बुजुर्ग युवा साथियों, मेरी एक विनती आप सबसे, मैं हैरान था कि कई गांव में किसान ये कहने लगे कि मोदी ने पेंशन बांध दी, 2000 रुपए दे दिए। सर, छोटू राम की एक बात याद आती है, वीरेंद्र सिंह जी तो भूल गए मोदी के चक्कर में सर छोटू राम को, पर मैं बताना चाहूंगा, वो कहते थे कि ये भोले किसान 2 चीज पहचान, एक बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन पहचान ले। आज सोचो समझो, ये जो लोग कह रहे हमने 2000 रुपए पेंशन के दे दिए, 5 किले पे 2000 रुपए दिए, 5 किले पे एक किसान को 2000 इनने दिए, और 5 किले के फसल बीमा के 3500 काटने का काम किया। ये तो सिंपल गुणा भाग है, 3500 थारे से ले गए, 2000 खाते में डाल दिए, 1500 का नुकसान किसका, थारा या मोदी का? थारे पीछे गए बैंक में, और बैंक के पीछे गए ललित मोदी, नीरव मोदी के खाते में, और वो विदेश भाग्य, नुकसान किसका हुआ, मोदियों का या थारा? तो मौका है, इस मौके को ना छोड़ो, इस बार एक हो जाओ। मैं कल परसों से सुन रहा था भूपेंद्र हुड्डा रो रहा है रोहतक में, सोनीपत में, कि मैंने मारण खातर दिग्विजय ने उतार दिया। तो भाई उससे पूछो, घर जाके तने जितान खातर उतारते, पिछली बार 2014 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के घर में, इसके जिंदल साहब के घर के अंदर डिनर कौन करके गया था? कुलदीप तो जनित में था, सारी कांग्रेस बैठा के कुलदीप के वोट गिरवाए थे।
मेरा रिश्तेदार लगता है, पूछ तो और इससे कि आज ये मामा बुआ के दोनों मिलके साठ गांठ करके चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कहता है जेजेपी कांग्रेस की बी टीम, कोई कहता है जेजेपी बीजेपी की बी टीम। मैंने एक चीज तो बता दो कि डुंबरखा जोरा सिंह जी बैठे, दादा जानते हैं मामे बुआ के कौन कौन है, बता दो कौन कौन है। उच्चारणा वाले कई आए हुए हैं। आज ये हालात है कि इनकी सेटिंग होगी कि वहां पर मदद करेंगे उड्डाओं की और यहां मदद करेंगे विजेंद्र की, और आरोप लगा देंगे दुष्यंत पे, दुष्यंत तो कड्डी खराब करने आया है। भाई हमारे एरिया में तो दिन रात कड्डी बनती है, खराब होगी तो हमारी ले जाओ, मगर चुनाव लड़ने आए, चुनाव लड़ेंगे मजबूती से। टक्कर थे चौधरी देवीलाल जी ने यह सिखाया था कि राजनीति के अंदर संघर्ष सबसे जरूरी है। बुजुर्ग युवा साथियों, छह महीने पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक फैसला लिया था कि ना झंडा ना डंडा ना नाम, एक नई शुरुआत होगी, और छह महीने हो गए, दिन रात एक कर पूरी लगन के साथ निष्ठा के साथ इस मैदान में उतरे हुए, और एक चीज साबित कर दी है कि जो लोग हमारी जमानत जब्त की बात किया करते थे, कहते थे ये तो छोरों की पार्टी है, आज उन सब के मुकाबले में अगर कोई खड़ा है तो थारा ये गठबंधन खड़ा है, अरविंद केजरीवाल जी खड़े हो और आप खड़े हो। बुजुर्ग युवा साथियों, मेरी तो विनती प्रार्थना आपसे इतनी है कि अब पांच दिन का समय, अगर आपको लगता है कि पांच साल में कमेरे की आवाज, किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, कर्मचारी की आवाज को मेरे पार्लियामेंट में उठाया, तो मैं अधिकार से आज आपसे मांगता हूं कि पांच साल अगर मैंने मेरे जीवन के आपके ऊपर व्यतीत किए तो लोग कहते हैं कि भाई इनके लिए चुनाव कौन लड़ेगा, तो मैं खुश होकर कहता हूं ये मेरे दादे चाचे ताऊ दादी चाची ताइया बैठी है, मेरा चुनाव तो ये लड़ेगी, मेरे को तो ये जिताने का काम करेंगे। और खुली चुनौती देता हूं, वीरेंद्र सिंह जी मोदी के नाम पे वोट मांग रहे, इशार का ये मैदान ही ले लो, हिम्मत है तीन दिन है, मोदी ने ले आके दिखा दे, अगर इतनी चलती है, इतना बड़ा मंत्री केंद्र में है तो इसी मैदान में नरेंद्र मोदी को लाके अगले तीन दिन में दिखाने का काम करे, बेड़ा चल जाएगा। इनके पास तो और कुछ नहीं है, इनके पास तो एक अमित शाह है, घूमता फिरता आ जाएगा और आके हम पे गुंडागर्दी के आरोप लगाएगा। पांच साल में बताओ किसी के कोई एक रेडी का पांच पैसा भी बकाया रहा हो किसी रैली में, पांच साल में बताओ हिसार के अंदर कोई एक अपराधी घटना में आपके संगठन का साथी मिला, एक गारंटी दे सकता कि पांच साल में अनुशासन का प्रतीक बनकर अगर कोई उभरा तो आप जैसा एक एक कर्मठ कार्यकर्ता ने इस हिसार को संभालने का काम किया। बुजुर्ग युवा साथियों, मैं तो आज इतना बोल सकता कि हिसार का आपका ये चुनाव केवल मात्र लोकसभा का चुनाव नहीं, हिसार का आपका ये चुनाव आने वाले हरियाणा की सरकार का चुनाव, और आपका एक एक वोट प्रदेश की सरकार को जाने का काम करेगा, प्रदेश में बदलाव लाने के लिए काम करेगा। मैं सुन रहा था पत्रकार साथी मेरे कोनी काड़ी मार के पूछ लेते हैं सवाल, कोई कहता कि गौतम सरदाना के ऊपर आरोप लगते हैं कि आपने उसकी मदद करी, भाई अगर वो मेरे वोटों से मेयर बना तो खुले हाथों से कहता हूं लाओ अब अपना भी एहसान चुकाओ, वोट दो, मेरे को तो सब कहती है, चाहे वो पंजाबी हो चाहे बनिया हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे एससी हो दलित हो कुमार हो खाती हो, आज हमने तो सबको साथ लेके चलना है, और सबको साथ लेकर चलने के लिए हमने एक नई शुरुआत की, एक नए कदम की पहल करी, और उसी लिए आपसे आग्रह करता हूं। और खास तौर पर एक चीज कहना चाहूंगा, उमेर लाल जी कह रहे थे कि भाई पोलिंग पर जोर लगाइयो, 2011 पे नारनौंद में 72% पोलिंग हुई थी, 23-24 हजार से जीते थे, वही पोलिंग 86% आपने नारनौंद में पहुंचा दी थी, 43 हजार से जीते थे। अब भाई उच्चारणा वालों को खास तौर पर कहूंगा, बारी बारी नारनौंद वाले कह रहे हैं कि इस बार तो उच्चारणा को पीछे छोड़ोगे, एक बार हाथ छा कर कह दे उच्चारणा ने
बता दो इस बार छोटो के नारनोन ने पीछे को नहीं छोटो। और एक चीज और, ये मेरे मामे नाने भी आए हुए हैं आदमपुराले, भाईड़े का प्यार ना जगाइयो इस बारी, बारी बारी भाईड़े का प्यार जाग जाता है। 5 साल में नहीं दिखा, 5 साल बाद आज आपके बीच में आए और आकर अब कहते हैं कि हम तो आपके हैं, मरने क्यों मारो। मैं एक चीज पूछता हूं, 5 साल में किया क्या विधानसभा के सदस्य रहे, कोई एक चीज बताए जो हिसार के लिए करने का काम किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी स्टील मंत्री रहे, उनकी उनकी पत्नी विधायिका रही उचाणा से, ये खटखड़ वाले बता देंगे पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भी 5 लाख का आरओ खटखड़ में मैंने लगाने का काम किया। हमारे बीजेपी के कैंडिडेट ये तो अधिकारी रहे उच्च स्तरीय, बेचारे की नवीन जी कह रहे थे नौकरी छुड़ा दी और डीसी ने चौकीदार बना दिया। भाई मजे आ रखे हैं, अब तो गांव वाले चौकीदार भी रात को पहरा देना छोड़ गए क्योंकि देश में चौकीदारों की कोई कमी नहीं है। और हैरानी ऐसी है, ऐसे ऐसे चौकीदार आ गए जिनकी चौकीदारी के लिए 25-25, 30-30 गाड़ी पुलिस की आंटी घूमती है। आज ऐसे चौकीदार चाहिए, ऐसे चौकीदार चाहिए जो दिन भर आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करे। मेरे को तो 5 साल पहले मौका दिया था और इस 5 साल के दौरान मैंने तो इशार के लिए कर दिखाया। लोग कहते बीजेपी ने किया, क्रेडिट दे दो, मर पूछ के आने का काम करो। ये पासपोर्ट सेवा केंद्र किसने लाने का काम किया, देश का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र अगर इसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बना तो आपके हिसार में हमने बनाने का काम किया। लोग कहते हैं वॉशिंग यार्ड लाइन तो बीजेपी लेकर आई, भाई फिर तो ट्रेन भी कह दो अंग्रेज नहीं ले आई थी, बीजेपी ले आई। आज उस वॉशिंग यार्ड लाइन के बाद हमारे हिसार से कोयम्बटूर, सिकंदराबाद, हरिद्वार तक की ट्रेन कनेक्टिविटी आज शुरू हुई। मैं पिछले साल तीज पे सूरत गया, सूरत में व्यापारियों ने धन्यवाद किया कि अब जहाज से दिल्ली और दिल्ली से गाड़ी में हिसार नहीं आना पड़ता, अब तो ट्रेन में बैठ के आ जाते हैं। साथियों आज पानी के टैंकर पे रंग पोत रहे और कई तो कहते 10-10 हजार का टैंकर दे दिया। अरे 10 का दिया हो, लाख का दिया हो, 1.5 लाख का दिया हो, दिया तो है, किसी से छीना तो नहीं, 250 गांव में व्यवस्था बनाई। आज लोग कहते हैं भाई मच्छर मारने वाली मशीन दे के पब्लिसिटी ले गया। एक हमारे सत्य प्रकाश जी है, पता नहीं आए नहीं आए, पत्रकार साथी है, मेरे को कहने लग गए, कहते जी आप तो बढ़िया बुद्धि के हो। मैं कहा क्यों, कहता 57 हजार की मशीन देकर पब्लिसिटी ले गए जैसे 57 लाख बांट दिए। अरे 125 गांव में मच्छर तो कम कर दिए, तो मेरे आगे तो सेठ दुष्यंत लगाने लग जाओ, मैं उसमें भी खुश हूं, मगर कुछ किया तो सही। आज देश का पहला वाईफाई गांव बना तो अपने हिसार में बना। आज हम बात करें ये डाबड़ा चौकड़ा पुल, मेरे ख्याल से मैं पैदा हुआ था 88 के अंदर हिसार में, जब से लेकर अब तक इनकम्प्लीट था, इसको पार्लियामेंट में 3 बार उठाया, ये कंप्लीट हो गया। अब बीजेपी वाले पत्थर लगा के कहते पुल भी हमने बनाने का काम किया। बुजुर्गों युवा साथियों आप चारों ओर देखो, 5 साल के अंदर चाहे मिनी लाइब्रेरी हो, चाहे जिम के इक्विपमेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स किट हो, मैंने अपने एमपी लैंड के तो 25 खर्चे, मगर खुशी की बात यह है मेरे से पूर्व 3 सांसदों के भी 3.5 करोड़ रुपया दिल्ली से वापिस लाकर हिसार की सेवा में खर्चने का काम किया। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, कई लोग मेरे से रुष्ट भी है, हमारी ढाणी में बिजली नहीं आई। भाई एमपी हूं, 25 करोड़ है, 25 करोड़ में से अधिकतम पैसा अगर लगा तो ढाणियों में बिजली पहुंचाने का। और गर्व के साथ कह सकता मोदी जी कहा करते थे मैंने 16,000 गांव में बिजली पहुंचा दी। मैं कहा हमारे गांव में तो 1977 के अंदर चौधरी देवीलाल ने गांव गांव में बिजली पहुंचा दी थी, नया बताओ क्या किया। नहीं हमने तो अब 16 की जगह 17,000 में बिजली पहुंचा दी। मोदी जी इशार आओ और देखो एमपी लैंड से 9 करोड़ रुपया खर्च कर 4,000 ढाणियों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम मैंने किया। अगर आपको गुजरात मॉडल देखना है तो सबसे पहले उस मॉडल को देखने का काम हिसार से करो।
जहां आप करोड़ों रुपया सीसीटीवी कैमरा के लिए खर्चते हो, वहां हिसार के अंदर हमने एक नहीं 44 सीसीटीवी कैमरा केवल मात्र 15 लाख के अंदर लगवाने का काम किया। ये विकास किया है। और आज अपने विकास के नाम पर जो यहां करे हुए काम है उसके नाम पर आप लोगों से विनती आग्रह करूंगा कि साथियों अब ये जिम्मेवारी आप सबकी है, एक एक हिसारवासी की है कि वो लगकर पूरी मेहनत और लगन के साथ इस चुनाव को संभाले और मेहनत और लगन के साथ आने वाले समय में इस लड़ाई को लड़े। और कई कर्मचारी साथी, खास तौर पर गैस टीचर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनको बीजेपी ने 5 साल पहले वादा किया और कहा पहली कलम से राज बन जाएगा तो थारे नौकरियां पक्की करा देंगे, उनको कहूंगा इस बार मौका है, आप बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े लोग हो, इस मौके को ना छोड़ो, इस बार मौका है इस बीजेपी को जवाब देने का। जैसे नवीन कह रहा था इनका खूंटा पाड़न का, अगर सच्ची चाहते हो बदलाव आए तो एक हो जाओ। और सारे कर्मचारी साथियों से निवेदन करता हूं कि अपने भविष्य के लिए एक एक वोट आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के इस गठबंधन को देने का काम करो। एक खास तौर पर जो हमारे कर्मचारी साथी पूरे देश के अंदर आज परेशान, जहां चले जाओ चाहे पैरामिलिट्री हो, मोदी जी पुलवामा की बात करते हैं, कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और पाकिस्तान को जवाब दिया। मोदी जी आप ये क्यों नहीं बताते कि आपके फेलियर की वजह से हरियाणा प्रदेश के 6 जवान और इस देश के 53 जवान 14 दिन में शहीद हुए। आप ये क्यों नहीं बताते कि पिछले 5 साल के अंदर हमने सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री और मिलिट्री के साथियों को इस देश में शहीद होते देखा। आप ये क्यों नहीं बताते कि आपके फेलियर की वजह से सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में पिछले 5 साल में हुई। मैं तो एक विनती करूंगा, अगर आप चाहते हो कि ये देश सुरक्षित रहे, आप चाहते हो कि परिवर्तन आए, तो निवेदन है अपना एक एक वोट इस बार इस गठबंधन को दे। और कर्मचारी साथियों के लिए एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मौका है, अगर आप चाहते हो पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो, एकजुट होकर इस गठबंधन को ताकत देने का काम करो। साथ में एक अहम चीज सारे किसान साथियों के लिए, मोदी जी कहा करते हैं मैंने किसान की आय दुगनी कर देनी है, 19 का 22 ले गए, पूछने का काम करो कि सरसों की जो दिक्कत आई इसका जिम्मेवार कौन है? ये बीजेपी का उम्मीदवार जिम्मेवार है। आज इन लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसी नीति बनाई, और खास तौर पर नीति बनाने वाला और कोई नहीं, वीरेंद्र सिंह जी का बेटा था जिसने बैठ के 6 क्विंटल और 25 क्विंटल की पाबंदी लगाकर किसान को कमजोर किया, धक्के खाने पड़ रहे हैं किसान को। किसान के ट्रैक्टर को इस सरकार ने कमर्शियल बनाने का प्रयास किया, मगर वो आप लोगों की आवाज थी जो पार्लियामेंट में गई और पार्लियामेंट में ट्रैक्टर बाढ़ कर हमने दोबारा उसको गाढ़ा बनवाने का काम किया। अगर आप चाहते हो इस तरीके से किसान की आवाज बुलंद होती रहे तो मेरा अनुरोध कि अपना एक एक वोट चप्पल का बटन दबाकर देने का काम करो। मैं तो अंत में एक चीज कहना चाहूंगा, भाई इनके पास मोदी है, इनके पास प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अमित शाह है, हेमा मालिनी है, मेरे पास तो अगर प्रचारक के तौर पर हो तो अभी तक तो तूड़ी काट रहे थे, अब फारी को लिए खेतों से, मेरे पास तो आप लोग हो, मेरे पास तो दुकान में बैठने वाला वो छोटा व्यापारी है जो दिन का 200-500 हजार रुपए मुनाफा लेकर घर में जाता है। मैं तो उससे अपील करता हूं कि आम जन का जो साथ है इसको ताकत देने के लिए कहीं ना कहीं अपनी ताकत को दर्शाने का काम करो। और अंत में एक चीज जरूर बोलूंगा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को आपके बीच में आ जाना था, मगर कल उनकी तबियत जब आखिरी प्रोग्राम था उसके बाद थोड़ी सी ढीली हुई, आज उनको एडमिट भी होना पड़ा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई संदेश उनके स्वास्थ्य का आ जाए, मगर उनने एक संदेश आपके लिए भेजा है कि ये चुनाव, क्योंकि आज उनको सरेंडर भी करना पड़ेगा इस चुनाव के अंदर, अब यहां बैठे एक एक व्यक्ति को अपने आप को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बनकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि इस लड़ाई को अब आपकी लड़ाई समझकर एक एक कार्यकर्ता ने मजबूती के साथ लड़ना है।